नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। हम आयुर्वेदिक और घरेलू और नेचुरोपैथी ज्ञान के इस असीम सागर से कुछ मोती चुनकर आपके लिए हमेशा लाते हैं। सबसे पहले तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारे आने वाले अपडेट्स और यूज़फुल घरेलू नुस्खे जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं वो हम हमेशा शेयर करते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर एक महामारी की तरह इस पूरे देश में फैल चुका है। इसका कारण लोगों के लेथार्जिक लाइफस्टाइल का बढ़ना, लोगों में गलत खान पान का जो सेवन है, ये इस चीज़ को महामारी की तरह फैला रहा है। एक हाल की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अर्बन शहरी जनता में 20% लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और जो रूरल तबका है, जो ग्रामीण तबका है, उसमें 10% लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। तो समझ लीजिए कि शहर में रहने वाला हर एक 5 में से एक व्यक्ति इस बीमारी के चपेट में है। और चूंकि ग्रामीण में परिवेश में लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल उतनी लेथार्जिक नहीं होती जितनी शहरी है, इसलिए डेटा कम है। लेकिन फिर भी वहाँ भी हर एक 10 में से एक व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है। नॉर्मली जब हाई ब्लड प्रेशर के बारे में लोग सुनते हैं तो बहुत नर्वस हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, और बहुत जल्दी वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और एलोपैथिक डॉक्टर के पास इनका सॉल्यूशन तो है, लेकिन वो एक इस फॉर्म में है कि भाई आप हमेशा बीपी को कम करने का एक टैबलेट लेते रहें, जिंदगी भर आप इसके गुलाम बने रहें। जब तक आप ये टैबलेट लेते रहते हैं आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, और जैसे ही आपने टैबलेट छोड़ा तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मतलब आप उस टैबलेट को अगर खाना शुरू कर दिया आपने तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो ये मैं इस तरह के सॉल्यूशंस की चर्चा यहां नहीं करने वाला। मैं प्राकृतिक तरीके से हाई ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका आज आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही मैं कुछ 2 या 3 सुझाव दूंगा जो आपको अपनी ज़िंदगी में अमल करने हैं, क्योंकि उन सुझावों को अमल करके आप इन नुस्खों के साथ चमत्कारिक इफ़ेक्ट पा जाएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे नुस्खों की तरफ। रात को सोने के पहले आप 1 ग्लास गर्म पानी में 1/2 चम्मच मेथी भिंगो कर रख दें, और सुबह उठकर ये पानी आपको पी जाना है और मेथी के दाने चबाकर खा लेने हैं। यह भी उच्च रक्तचाप को बहुत जल्दी खत्म करता है। आइए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे नुस्खे की तरफ चलते हैं। तीसरा नुस्खा दोस्तों, ये बहुत ही प्राकृतिक और प्राचीन नुस्खा है। अगर आप लौकी का रस नहीं ले पा रहे हैं तो आप या तो लौकी का रस ले रहे हैं तो इसके साथ भी इसका यूज़ कर सकते हैं 15 मिनट के अंतराल पे, लेकिन अगर नहीं ले रहे हैं तो इस नुस्खे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि 5 तुलसी के पत्ते तथा 2 नीम की पत्तियों को पीस कर पानी में घोल लेना है और इसको खाली पेट सुबह पीना है। 15 दिनों में इसका बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आपको दिखने लगेगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही तेजी से नीचे आएगा। एक और नुस्खा, अंतिम नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह नुस्खा है लहसुन। लहसुन बहुत ही कारगर है ये आपको उच्च रक्तचाप में। तो लहसुन को किस तरह से सेवन करना है, आप क्या कर सकते हैं कि लहसुन की एक कली को आप जो है पानी के साथ टैबलेट की तरह मुंह में लें और पानी के साथ उसको अंदर ले लें। ये आपको रोज सेवन करना है। लहसुन ब्लड प्रेशर को ठीक करने में एक चमत्कारी घरेलू उपाय है। लहसुन आपके रक्त में थक्के जमने नहीं देता और कोलेस्ट्रॉल को काटता है। इसलिए लहसुन हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ही जाना माना कारगर उपाय है। तो ये
नुस्खे मैंने आपको बताए दोस्तों, इन नुस्खों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी दो या तीन नुस्खे आप इस्तेमाल करें, 15 दिनों के अंदर ही आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है नियमित होने लगेगा। लेकिन इन नुस्खों के साथ दो तीन चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, और वो चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही तेज़ी से नीचे आएगा और पूरी तरह से आप एक नॉर्मल इंसान बन जाएंगे। तो उसमें सबसे पहला जो सुझाव और सबसे पहला जो आपको चेंज लाना है वो ये है कि आपको आज से प्रण लेना है कि भाई अगले एक महीने तक मैं सिर्फ गर्म पानी ही पीऊंगा। जब भी मुझे प्यास लगेगी या जब भी मुझे पानी पीना है तो मैं सिर्फ हल्का गर्म पानी ही पीऊंगा। दोस्तों, इसी के अपोजिट ठंडा पानी आपका काल है। ठंडे पानी से समझिए कि हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए जहर के समान है। ठंडा पानी आपकी रक्त धमनियों में जाकर जो कचरा जमा है उसे और बढ़ाने में मदद करता है, उसे और जमाने में मदद करता है। लेकिन गर्म पानी आपके ब्लड में घुल के जो सॉल्युबल वेस्ट है, जो डिजॉल्व हो जाएगा, उसे डिजॉल्व करता है और आपके ब्लॉकेज को खत्म करता है। तो गर्म पानी वरदान है दोस्तों। आप एक थर्मस में आप हमेशा क्या करें कि गर्म पानी स्टोर कर लें। आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो या कहीं भी घर में भी रहते हो तो एक ऐसे थर्मस में जो पानी को गर्म रखता हो इसमें आप पानी स्टोर कर लें 1 लीटर या 2 लीटर, और दिन भर में आपको इसका सेवन करना है। तो ये चीज़ आपके ब्लड प्रेशर को भयानक रूप से नीचे लाएगी, क्योंकि ये ब्लॉकेज पे अटैक करती है। ये आपके जो रक्त धमनियों में जो ब्लॉकेज है इस पे वार करेगी, उस पे जो भी ब्लॉकेज है उसको डिसॉल्व करेगी। आपका सारा कचरा मलमूत्र के द्वारा या पसीने के द्वारा निकलेगा, डिसॉल्व होगा और आप फिर एक फ्री इंसान बन सकेंगे। तो गर्म पानी का दोस्तों हमेशा सेवन करना है। दूसरा जो सुधार आपको अपने जीवन में लाना है ये है कि आप हो सके तो मिनिमम आधा घंटा आपको प्रतिदिन वॉक करना है, यानी चलना है, टहलना है। और ये टहलना, ये स्लो वॉकिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आराम से टहलते हुए और गुनगुनाते हुए चले जा रहे हैं। ये टहलना ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए, यानी आपकी जो चाल है वो तेज होनी चाहिए। इस तेज चाल के साथ आधे घंटे मिनिमम आपको टहलना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करना है, मॉर्निंग वॉक करना है। मैं उस पर जोर नहीं दूंगा, क्योंकि हर आदमी के बस में नहीं है कि वो हर दिन सुबह उठे। बहुत सारे लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं। हमने फालतू का प्रण ले लिया कि मैं कल से मॉर्निंग वॉक करूंगा। एक दिन गए, दो दिन गए, तीसरे दिन नहीं गए, फिर चौथे दिन गए, फिर पांचवें दिन, छठे दिन नहीं गए, तो इस चीज से कोई फायदा होने वाला नहीं। तो इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि अगर आप एक आलसी इंसान हैं तो आपको करना क्या है कि रात को खाना खाने के बाद आपको आधे घंटे ब्रिस्क वॉकिंग, तेज कदमों से टहलना है। रोज रात को खाना खाने के बाद आधे घंटे आपको टहलना है। ये दूसरा बहुत ही चमत्कारिक सुझाव है दोस्तों। गर्म पानी के बाद रात का टहलना आपके लिए वरदान बन सकता है। बढ़े हुए वजन में तो ये रामबाण की तरह काम करता है। बढ़ा हुआ वजन कम करने में इससे अच्छा उपाय मैंने नहीं सुना। रात को आपको आधे घंटे रोज टहलना है, गर्म पानी लेना है। और तीसरा उपाय सब जानते हैं, चूंकि हाई ब्लड प्रेशर है इसलिए आपको नमक कम खाना है। तो लेकिन चूंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो भले ही ये चीज़ बहुत प्रचलित है, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि आपको नमक कम खाना है। तो ये तीन उपाय आपको करने हैं दोस्तों। बाकी खाने में कोई भी तला भुना हुआ चीज़ इस एक महीने में आपको लेना नहीं है। आप प्रण लें कि कोई भी चीज़ जो फ्राई करके बनती है वो मैं नहीं खाऊंगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर वो फ्राइड है, फ्राइड का मतलब हुआ तला हुआ, तला हुआ जो ज़्यादा मात्रा में तेल
सोखने वाला खाना, वो चीज मुझे नहीं खाना है। अगर आप अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, तो कम से कम इस एक महीने के लिए आपको छोड़ देना है। हो सके तो उसे छोड़ दें, और अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो बहुत ही कम कर दें, क्योंकि शराब में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं दोस्तों, और शराब हाई ब्लड प्रेशर को और बढ़ाने में मदद करती है। स्मोकिंग अगर हो सके तो कम कर दें, स्मोकिंग छोड़ना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर हो सके तो कम कर दें। और विश्वास मानिए दोस्तों, इन सारे नुस्खों की वजह से आपका हाई ब्लड प्रेशर एक महीने में ही नॉर्मल हो जाएगा। आप फिर जाकर आप इसे मेजर करवा लें, अगर आपके घर में कोई यंत्र है तो आप इसे देख लें। अगर आपने एक महीने मेरी कही बातों का अनुसरण किया है तो विश्वास मानिए, आप हाई ब्लड प्रेशर से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो आप इसे लाइक जरूर करें, और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।